मैम चौपाल लगाई गई है, किस तरीके की समस्याएं सामने आई ग्रामीणों की और क्या निस्तारण कर रही है? देखिए, आज गोपालपुर नरवल में आज आयोजन हुआ है और इसके बाद हम 5 गांवों में अलग अलग जगहों पर आयोजन कर रहे हैं। भीतर गांव ब्लॉक है और बहुत समस्याएं जो आई हैं सामने वो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पेंशन, आधार सीडिंग नहीं हुई तो पेंशन रुक गई। कुछ जगहों पर मनरेगा के कार्यों को लेकर के शिकायत थी। मौके पर ही त्वरित रूप से हम लोगों ने अधिकारियों को भेजा और उन शिकायतों के बारे में लोगों को आश्वस्त किया है। कहीं पर ऐसी कोई बहुत ही प्रमुख चीज़ नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी दैनिक नित्य लाइफ से रिलेटेड इनकी जो समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर संबंधी भी बातचीत की, तो उसमें भी हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन भी किया जाता है गाँव में, वो भी किया गया। तो इस प्रकार से एक बड़े समय के भाव के साथ में पूरी इस चौपाल का आयोजन हुआ। जो लोग इस पूरी लापरवाही में लिप्त हैं उनका हम लोगों ने आज का वेतन रोका है, ये कार्रवाई की गई है। और इसमें मुझे ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों के द्वारा पूरी शासन की योजनाओं को धरातल पे फलीभूत करने के लिए लापरवाही दर्शाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे, उनकी शासकीय उसमें। अभी तो मैंने देखा राजकीय नलकूप के जो एक्सीएन थे वो एब्सेंट थे और स्वास्थ्य विभाग में भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नहीं आए थे।